हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हम प्रश्न देखने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा बहुपद क्लास टेंथ मैथमेटिक्स से। अब ये एक प्रश्न तो हमारे एग्जाम में होता है, लगभग हर साल पूछ देता है ये क्वेश्चन, और इजी भी है करना, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं कर पाओ, ये भी नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम करके आएंगे, तो दो नंबर यहाँ से अपना फिक्स हो जाता है, दो नंबर में ही पूछेगा। तो प्रश्न क्या होता है ये देखो, प्रश्न होता है हमारे पास एक बहुपद दिया होता है, और बहुपद का सबसे पहला काम तो तुमको शून्य ज्ञात करना होता है। तो तुमको सबसे पहला यही सीखना है कि बहुपद का शून्य कैसे निकालना है, वो किसी सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुपद का शून्य कैसे निकालना है। फिलहाल यहाँ पर क्या करना है, शून्य निकालना है और शून्य और गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो ये दो काम हमको यहाँ पर करना है, कैसे कर सकते हैं और ज़रा हम बात करें। सबसे पहले ये समझ लो, जो बहुपद का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे हम लिखे ए एक्स स्क्वायर द्विघातीय बहुपद का, अगर द्विघातीय बहुपद का देखेंगे, द्विघातीय बहुपद किसको बोलते हैं, जिसके हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट पावर हाईएस्ट घात दो होता है। जैसे कि एक बहुपद हम पकड़े ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघातीय बहुपद का साधारण रूप है या सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, सामान्य फॉर्म बोल सकते हैं, इसी फॉर्म में द्विघातीय बहुपद हमारा होता है। तो इस बहुपद का अगर घात दो है तो कम से कम तो इसके दो शून्य तो होंगे होंगे। अब ये शून्य हमने माना अल्फा बीटा, ठीक है, ये शून्य हमने क्या माना, अल्फा और बीटा। और ये जो हमारा a दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये जो b दिख रहा है ये y x का गुणांक है, और c हमारा क्या है, अचर पद है। फिर से समझना, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और c जो है वो अचर पद है। गौर से समझना है, यहाँ पर अगर हम बहुपद लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, इसका मतलब a का मान जो है हमारा 2 होगा। यहाँ पर देखो एक जगह पर 2 आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर है, और एक जगह पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर x का गुणांक 7 है, मतलब b का मान यहाँ पर हमारे लिए 7 आएगा, मतलब b का वैल्यू 7 निकल गया। तीसरी बात, अचर पद यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, c है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म 10 है, ठीक है। एक और समझ लेते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए सारी बात। देखो 3x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 5, ये हमने एक बहुपद पकड़ा। यहाँ पर अगर हम तुमसे पूछे बता दो a कितना है, तो a यहाँ पर कितना है, 3। बताए b कितना है, तो b यहाँ पर है माइनस 7, और c कितना है, माइनस 5, ठीक है। चलो, क्यों, क्योंकि इस बहुपद को ऐसे लिखा गया होगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस माइनस 5। अभी तुमको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से कि a का मान 3 है, b का मान क्यों 7 हो गया, क्योंकि माइनस में 7 है। c का मान क्यों माइनस 5 हो गया, क्योंकि माइनस में 5 है। बाद बाकी बहुपद तो हमारा इसी फॉर्म पे है। ये हमने क्यों समझाया, क्योंकि इसका अभी यूटिलाइज आने वाला है, इसका उपयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पहली बात तुमको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। देन दूसरी बात, हमको दो शून्यक दिया होता है, दो शून्यक दिया होता है, ये तो यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा और बीटा, लेकिन जो बहुपद होगा वहाँ पर हमको शून्यक निकालना पड़ेगा। तो हम प्रश्न में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर दिया है कि दिया गया बहुपद क्या है, हमारे पास दिया गया बहुपद, ये जो बहुपद दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया है। तो सबसे पहला काम तो करना है शून्य निकालना है, तो आओ शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होगा, 1 को 10 से गुना करना होता है, 1 को अचर पद से गुना करो, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करो। तो हमने गुना किया 1 × 10, तो ये हो गया हमारा 10। अब इस 10 को क्या करना है, दो भाग में इस प्रकार से बांटना है, गुणनखंड करना है दो भाग में, कि जोड़ करके 7 आ जाए प्लस में, और जोड़ करके बोले गुना करके 10 आ जाए और जोड़ करके 7 आ जाए। हमने क्या कहा, 2 × 5 करते हैं, देखो जोड़ेंगे दोनों को तो ये आएगा 7, और गुना करेंगे तो 5 × 10 हमारा ये आ रहा है। बातें समझ में आ गई, करना क्या है, देखो यहाँ पर 2 भी प्लस में 5 भी प्लस में, इसको लिखना है 2x और प्लस में 5x, ठीक है। अब ये वाला जो है ना 2x और प्लस 5x को उठा करके कहाँ रखना है, 7x की जगह पर, तो ये रखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस में 10, यहाँ से हो गया हमारा। देन अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप यहाँ से हमको दो दो का जोड़ा बना लेना है। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन लेंगे 5, तो ये होगा x प्लस 2। ये यहाँ से हमारा x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा हमारा x प्लस 5। तो ये हमारा क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया। देन अब हमको करना क्या है, इसका शून्य निकालना है ना, जिसके बराबर में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, बारी बारी से दोनों के बराबर में 0 रखेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, इट मीन्स कि x बराबर हम अगर 2 को इस तरफ ले आए तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह से x प्लस 5 बराबर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि x बराबर अगर 5 को दूसरी तरफ ले जाए प्लस में, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो दो शून्य निकल रहा है, ठीक है, एक माइनस 2 एक माइनस 5। तो ये जो अल्फा बीटा हमने माना है ना, ये इस बहुपद का शून्य है, तो ये जो यहाँ पर निकला है यही अल्फा बीटा है,
ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर माइनस दो और बीटा बराबर माइनस पाँच। क्यों माना हमने? क्योंकि आगे इसका यूटिलाइज आने वाला है, देखेंगे हम। अब देखो होता क्या है, जो ये बहुपद है इसका सुनिए, यदि अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है संबंध माइनस बी बट्टा ए के, माइनस बी बट्टा ए के, या हम बोल सकते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स का गुणांक और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी बोल सकते हैं हम। अब यहाँ से तुमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यही लेके चलते हैं, चलो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो अल्फा और बीटा आ गया ना, तो अब निकालते हैं हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अगर शून्यकों का योग, सबसे पहले शून्यकों का योग ही निकाल लेते हैं, तो ये हमारा शून्यकों का योग निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया, पहला शून्यक दिया है माइनस दो, यानी कि हम निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स कि अल्फा बराबर तो हम कितना निकाले, माइनस दो, प्लस बीटा बराबर हमने निकाला है माइनस पाँच, तो पाँच और दो कितना हो जाएगा, माइनस का सात। देन हम निकाल लेते हैं माइनस एक्स का गुणांक और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं माइनस बी बट्टा ए, ये भी बोल लो। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारे पास बहुपद है, ये हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस। अब ये जो तुम्हारे पास बहुपद है इसमें अगर हम बात करें, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है, तो ए का वैल्यू एक हो जाएगा। बी का वैल्यू देखना यहाँ पर सात है और सी का वैल्यू यहाँ पर दस है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, एक्स का गुणांक सात है और अचर पद हमारा दस है। तो यहाँ पर माइनस बी करना है, तो बी का मान सात है, इसमें माइनस लगा लो तो माइनस बी, और ए का मान देखो एक है तो एक। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि शून्यकों का योग निकल के आ रहा है माइनस सात, और माइनस बी बट्टा ए बोल लो, या माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी आ रहा है माइनस सात बट्टा एक। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए बराबर, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, माइनस का सात। ये पहला पार्ट यहाँ से हमारा प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है जी। देन यहाँ पर दूसरा संबंध भी होता है, दूसरा संबंध क्या होता है, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचर पद, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम लिखना चाहे तो सी बट्टे ए इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तथा शून्यकों का गुणनफल, अब ये निकालना है, इट मीन्स कि हमको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस का दो है, और बीटा का मान माइनस का पाँच है, गुना कर दो कितना होगा, दस। अब अगर हम निकाले सी बट्टे ए, या ये भी लिख सकते हैं जी, अचर पद और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं सी बट्टे ए। तो यहाँ पर देखेंगे सी का मान कितना है, सी का मान दस है, अचर पद का मान 10 है, और ए का मान तुमको पता है 1, ये कितना निकला तुम्हारा 10। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला, शून्यकों का गुणनफल वो आया हमारा 10, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने निकाला वो भी निकला 10। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये भी हमारा हो गया प्रूफ।